राजधानी लखनऊ में खनन माफियाओं का बोलबाला। निगोहा क्षेत्र में खनन माफियाओं और भट्टा मालिकों से परेशान लोगों ने मुख्यमंत्री पोर्टल पर की शिकायत। स्थानीय लोगों का कहना, खनन माफियाओं ने तोड़ दी नहर की पुलिया और गांव की तरफ आने वाली सड़कों को कर दिया ध्वस्त, जिससे गांव के आने जाने वाले लोगों को करना पड़ता है दिक्कतों का सामना। स्थानीय लोगों की माने तो रात के अंधेरे में शुरू हो जाता है खनन का खेल पूरा। मामला निगोहा थाना क्षेत्र के नटौली जमींदार खेड़ा का, सुनिए क्या कहना है पूर्व प्रधान नटौली सज्जन सिंह सहित ग्रामीणों का। सज्जन सिंह जमींदार खेड़ा ग्राम पंचायत नटौली पूर्व प्रधान। क्या मामला है आपका? अब जो हमारी ग्राम पंचायत में बगल में एक नटौली में शंकर बिग फील्ड पड़ता है, ठीक है, पूरे आज एक पुराना भट्टा ये है, मगर जत्ते रास्ता है पूरे ध्वस्त करा है। एक सरकारी पुलिया थी जो नहर के बगल में, उनका पूरी प्रोग्राम पूरी ख़त्म करा दें। कई बार इनका सूचना भी दीन गए कि जो है जो ये नुकसान करा रहे हो, कम से कम मेंटेनेंस करा दियो, कि जिसे लोगन का अति समस्या है कि वह और दुर्घटना खुले खुली दावत दे रहती हैं। वो जाए कि भाई आप देखियो, जाए तो खुद आप देखियो का कंडीशन पूरी रास्ता खुल चुकी है। पुलिया और रास्ता कैसे ध्वस्त हुआ, किस चीज़ पर? ये JCB और ट्राला सब, ये ट्राली जैसी भी आती है। हाँ, ट्राली जैसी भी सब रात दिन सब हर्जा चल रही। क्या होता है इनसे? अब वही खुदाई खनन यही है, खनन हो रहा है। मिट्टी का? हाँ, मिट्टी खनन भी चालू है, उसी की वजह से पुलिया। हाँ, सब उसी को जैसे कहीं पुलिया गिर। हाँ, कितने दिन पहले गिरी? अभी मुश्किल से 15 दिन हुआ। हाँ, ये इसकी शिकायत हमने मुख्यमंत्री पोर्टल पर जो है हमने डाला है। जो फिलहाल ये शंकर भील के नाम से बैठा ये दर्ज है कि मैं चला रहे हैं नवीन जायसवाल। तो आपने शिकायत? हाँ हाँ, मुख्यमंत्री पोर्टल पर हमने किया है, कल किया है। क्या चाहते हैं आप लोग? अब इसमें हम चाहते हैं कि सब जांच करके जितने रास्ता इन्होंने ध्वस्त कराया है और सब नष्ट करवाए हुए हैं कहीं, खरंजा के ऊपर 2-2 फुट मिट्टी पड़ी है कहीं, लोग गिर रहे हैं कहीं, तो 3 बार हम खुद मोटरसाइकिल लेकर गिरे हैं, बाकी कितने लोग गिरे हुए हैं मगर अब कोई कहता कोई नहीं कहता है। ऐसा भाई पार्टी हर आदमी दबता भी छोटा आदमी तो, मगर कहने के मतलब आप हमारा कहने का मतलब जो भी जितने रास्ता ये सब चीज मतलब तुम खंडहर बना रहे हो तो इनका माले पैसा कमा रहे हो, कम से कम इनका दुरुस्त तो कम से कम रखो। 2 फुट ऊपर मिट्टी है, आदमी चलना दूभर हो रहा है कहीं, पुलिया हाँ जगह जगह पर पानी निकाल के लिए। अब CC रोड है भाई, सरकार ने काम करवाया, जिला पंचायत कोटे से मेंटेनेंस हुआ है, उसके बाद पूरी रोड आप देख लीजिए पूरी छीछा लेता था, 10-10 मीटर पर खोद खोद के बम्बी डाले पड़े हैं कहीं, ये कोई नियम है? जगह जगह पर खचका, जगह जगह पर खचका। तो और कल परसों रात में आ रहे थे, बगल में इनके भट्टे का एक ट्रक खड़ा था, वहीं लेबर से दारू पी के सब नहीं भट्टे थे, लेबर कोयला उतारे, एक तरफ ट्रैक्टर लगाए थे एक तरफ ट्रक दोनों तरफ से, और 10:30 बजे रात हम मोहल्ला ब्लॉक गए थे, ब्लॉक से काम निपटाया तो तहसील के, वहाँ से वापसी हमारी हो रही थी कहीं। अब उनसे कह रहे हैं इसको एक साइड से किनारे से पूरी रोड भरे, तुम ना दहिने रास्ता ना बाएं रास्ता कहीं, ये कंडीशन है कहीं। फिर मैं थाने को भी सूचना दिया, कल फोर शाम को आई थी। सरकार से क्या अपील करेंगे? सरकार ये जाँच कराकर जो अवैध रूप से यहाँ हमारी ग्राम पंचायत में खनन कराया जा रहा है और सब रास्ता इस सब ध्वस्त कराए हुए हैं, तो इनको इनकी जांच करवा कर और उचित कार्रवाई होगी। तो कुशवाहा, मैं जमींदार खेड़क रहने वाला हूं। क्या समस्या है? समस्या यही है कि हमारे यहां के जो भट्टे वाले हैं पूरी रास्ता है नाश कर दिए हैं और जो छोटी छोटी पुलिया बना रखे हैं वो भी टूट दिए हैं, जब इधर उधर गाड़ी चला के सब टूट दिए हैं। उनसे कहो तो वो चिल्लाते हैं, गुंडागर्दी करते हैं, करेंगे तो क्या करोगे, हम लोग टैक्स देते हैं, ये करते हैं वो करते हैं, और स्कूली बच्चे आते हैं उसी में पूरा एक तरफ से गिरते हुए जाते हैं। हम लोग भी जाते हैं, अगर सुबह शाम को खेत है उधर रास्ताएं हैं, जैसे बाजार मेला कहीं जाते हैं तो सब गिरते हुए जाते हैं हम लोग ऊपर तक। सरकार से मैं अपील यही करना चाहता हूँ कि ये सड़क जो है व्यवस्था करें और इसको देखें, उसके बाद इसका जो कार्य कराना है सही तरीके से। हमारा अभिनंदन बहुत अच्छी। क्या समस्या है? समस्या यही है कि हम लोगों को परेशानी से भट्ठे से हो रही है कि भट्ठे में जितने ये मालिक हैं कोई व्यवस्था नहीं करते हैं, ना मिट्टी हटाने की व्यवस्था करते हैं, ना पानी का छिड़काव करते हैं, जो जो उनको करना चाहिए। पुलिया है नहर की, उसको भी तोड़ दिए हैं, कहा गया तो कहते हैं हाँ बनवा देंगे बनवा देंगे, पता नहीं कब बनवा देंगे।